मात हमारी जानकी, पिता मेरे श्री राम। संकट हरने वाले को कहते हैं हनुमान। आज मंगलवार है, हम सब सनातनियों का सबसे बड़ा दिन मंगलवार है, जो कि हनुमान जी महाराज का एक पावन दिन है। मंगलवार के दिन हम प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी पूजा और सेवा भक्ति भाव करते हैं और उनका श्रृंगार भी करते हैं। तो इसी तरह से आइए हम आपको दिखाते हैं कि प्रभु का श्रृंगार और चोला कैसे चढ़ाया जाता है और किन परिस्थितियों में नहीं चढ़ाया जाता है, ये भी आपको देखना है। और बालाजी महाराज की और मेहंदीपुर में तीनों देवों की आपको गाथा बताएंगे। सत्य पे आधारित जो कहानी है वो हम आपको बताएंगे। तो पहले नंबर पे आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रभु का चोला जो होता है, जो पैरों से लेके नीचे से ऊपर जाता है और फिर ऊपर से आधे शरीर में होकर दूसरे पैर पे निकलता आके, वही मान्य होता है चोला। और चोला चढ़ाने के लिए तो जो आपकी श्रद्धा हो, जो भी आप जैसे भी आप चढ़ाते हो वैसे चढ़ाइए, उसमें कुछ नहीं। जो आप प्रभु को समर्पित करेंगे प्रभु सब स्वीकार कर लेंगे। सबसे सरल अगर पूजा है तो कलयुग में वो श्री बालाजी महाराज की है। थोड़ी ही भक्ति भाव में बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं और उनकी आराधना बहुत ही सरल है। तो आइए हमारे साथ कुछ बालाजी मेहंदीपुर की बातें आपसे कर लेते हैं, जो कि हमने अपने कुछ वीडियो बनाए हैं उनमें बताया भी है, कुछ रह गए हैं वो हम आपको यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं मेहंदीपुर दरबार में। एक ऐसा दरबार है मेहंदीपुर का, यहाँ आने पर को विदित होता है कि भूतादि किस प्रकार मानव जाति को पीड़ा पहुँचाते हैं तथा किस प्रकार उनसे छुटकारा मिलता है। जैसे ही दुखी इंसान महाराज के दरबार में आता है, उसे कुछ थोड़ा सा प्रसाद तीनों देवताओं को चढ़ाना पड़ता है, जिसमें से श्री बालाजी महाराज को लड्डू का भोग, श्री प्रेतरा सरकार को चावल का भोग और श्री कोतवाल कप्तान जिन्हें भैरव बाबा बोलते हैं उनको उड़द का प्रसाद लगाया जाता है। इस प्रसाद में से दो लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं, बाकी बचा हुआ प्रसाद जानवरों को डाल दिया जाता है। ज्यों ही मरीज उन दो लड्डुओं को खाता है त्यों ही वह झूमने लगता है और स्वयं ही भूत उसके शरीर में आकर बोलने लगते हैं। जो भी उनके शरीर पे आगे से पीछे से जो बीथा चली आ रही है वो दो लड्डू खाने से ही सब निकल के आ जाती है बाहर। वह भागने की कोशिश भी करता है, जो उस पर निगेटिविटी शक्ति होती है वो भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो भाग नहीं सकती है। उसकी हथकड़ी और पैरों में बेड़ी पड़ जाती हैं, वह अपने हाथों से ही अपने सिर में सैकड़ों जूते मारता है, हाहाकार मचाता है। कभी महाराज की आज्ञा से वह धोख के पेड़ से उल्टा लटक जाता है, कभी आग जलाकर उसमें फूका जाता है, फांसी या चूली पर लटकाया जाता है, यहाँ तक कि मारों से तंग आकर या तो वह महाराज के चरणों में बैठ जाता है अन्यथा समाप्त कर दिया जाता है। ईमानदारी के साथ जो भूत श्री महाराज जी के चरणों में बैठ जाता है उन्हें वे अपना दूत बना लेते हैं। संकट कट जाने के बाद प्रत्येक रोगी को भी महाराज की ओर से एक दूत मिलता है, जो कि सदा उसके पास रहता है और आगे होने वाली किसी भी बात की सूचना देता रहता है। बोलिए, श्री बालाजी महाराज की जय हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आगे वीडियो में हम आपको इसके जो पार्ट रह गया वो बताएंगे। फिलहाल में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और प्रभु का श्रृंगार भी पूरा हो चुका है लगभग।
अब श्रृंगार होने के बाद भोग प्रसाद उनको लगाया जाता है। भोग प्रसाद लगाने के बाद आरती पूजा जो भी आपको करनी है करें, उसके बाद पाठ जरूर करें, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का पाठ बहुत शुभ होता है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।